Hello everyone, myself Dr. Varun Sharma and you're watching Ask Health Guru. इस वीडियो में हम हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, जानेंगे किन रीजंस की वजह से, किन कारणों की वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है, जानेंगे उनके क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं जिससे आपको पता लगे कि आपको हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया है, और लास्ट में हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में कि आयुर्वेदा में क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है हाइपरथायरॉइडिज्म को लेकर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके रीजंस के बारे में कि किन कारणों की वजह से ये होता है, तो मॉडर्न साइंस में कुछ स्पेसिफिक रीजंस बोले गए हैं, जैसे 99% हाइपरथायरॉइडिज्म ग्रेव डिजीज की वजह से होता है। ग्रेव डिजीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी जो है थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेस सेक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड का, जिससे आपको हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है। कुछ केसेस में एक्सेसिव आयोडीन इंटेक की वजह से भी हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है। कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्यूमर की वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है। ट्यूमर जो कि हमारे टेस्टिकुलर मेल्स में और फीमेल्स में ओवेरियन ट्यूमर की वजह से हो जाता है, और बहुत से पेशेंट्स में थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर की वजह से भी हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है। तो ये रीजंस थे कुछ मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात कर लें आयुर्वेदा में क्या क्या रीजंस बोले गए हैं, तो आयुर्वेदा में वात और पित्त भरने से हाइपरथायरॉइडिज्म होने की संभावना बताई गई। बहुत सारे सिम्टम्स आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे, उसमें से जो मेन मेन है मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपका एक्सेसिव वेट लॉस होने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, गर्मी आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, इंटॉलरेंस ऑफ हीट जिसे कहते हैं, तो गर्मी आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, और आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी, हाथ पैर आपके कांपने लगेंगे, ट्रेमर्स जिन्हें कहते हैं, और बात करें तो आपकी आंखें जो है बाहर की तरफ बल्ज आउट होने की संभावना हो जाएगी, जिसको एक्सोप्थैल्मस भी कहते हैं। इंसोम्निया आपको होने लगेगा, यानी कि आपकी नींद कम हो जाएगी, स्लीपलेसनेस जिसे कहते हैं वो आपको होने लगेगी। हेयर लॉस कॉमन सिम्टम है, और फीमेल की हम बात कर लें तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स उसमें मिलेंगे, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब हो जाए। तो एक्चुअल में हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है कि जो T3 और T4 का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और TSH जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिस कारण से आपको हाइपरथायरॉइडिज्म डायग्नोस हो पाता है अगर आप एक ब्लड टेस्ट कराएंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं डाइट के बारे में कि हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। तो हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट को आयोडीन का एक्सेसिव इंटेक अवॉइड करना चाहिए, जैसे नॉन आयोडाइज साल्ट आपको यूज करना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि आप सेंधा नमक यूज करिए, वो आपके लिए बेस्ट होता है। आप सी फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, ये सब आपको अवॉइड करने हैं, सोयाबीन के प्रोडक्ट भी आपको अवॉइड करने हैं। और अगर हम बात करें क्या क्या फूड आप ले सकते हैं, प्योर काऊ का घी आप इस्तेमाल करिए, बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। मिल्क के सारे प्रोडक्ट, डेट्स हो गए, वॉलनट हो गए, आलमंड, कैश्यू, ये सब आप इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत फायदेमंद होंगे हाइपरथायरॉइडिज्म में। आइए बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, पहला योगा, उसके लिए स्पेसिफिक योगाज हैं कुछ हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए, और सेकंड मेडिकेशन कि क्या क्या मेडिकेशंस आप ले सकते हैं, क्या क्या आयुर्वेदा में पॉसिबिलिटीज हैं मेडिकेशंस को लेकर। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, जो 5th चक्र होता है उसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र की लोकेशन ठीक नेक के नीचे होती है, और थायराइड ग्लैंड की जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो विशुद्ध चक्र की पोजीशन होती है। तो अगर हम विशुद्ध चक्र को क्लीन करें तो अल्टीमेटली हम थायराइड ग्लैंड को क्लीन कर देंगे। दैट इज मीन कि हम थायराइड ग्लैंड से नेगेटिव एनर्जी हटाएंगे और थायराइड ग्लैंड को हील करने में बहुत इजी हो जाएगा अगर हम विशुद्ध चक्र को क्लीन कर देंगे। तो विशुद्ध चक्र को क्लीन करने के लिए बहुत इजी योगा अवेलेबल है। पहला योगा है भ्रमरी आसन, और दूसरा योगा है उज्जयी प्राणायाम। तो ये दो आसन है, दो योगा है, जिनके थ्रू आप अपने थायराइड ग्लैंड से नेगेटिव एनर्जी रिमूव कर सकते हैं और थायराइड ग्लैंड को हील करने में उनकी हेल्प हो सकती है। तो पहले ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको लेना है 1 कप गेहूं का आटा
और उसमें एक कप दूध मिला देना है, उसको कढ़ाई पे चढ़ा देना है और उसको पकाना है जब तक वो एक गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। और फाइनली उसमें ऐड करेंगे हम 10 चम्मच घी और उसको अच्छे से भून लेंगे। और इस प्रोडक्ट को जो तैयार हुआ है इसको कंज्यूम करना है हमें पूरे दिन में, रोज इसको खाना है लगभग 21 दिन तक। दूसरे ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो आपको लेना है अपामार्ग चूर्ण 1 चम्मच, उसमें 2 चम्मच घी मिलाना है और आपको सुबह शाम लेना है गर्म पानी से। तीसरे ट्रीटमेंट की बात कर लें तो लाक्षादि चूर्ण मार्केट में आपको मिल जाएगा और आपको 1 चम्मच लाक्षादि चूर्ण लेना है, उसमें 2 चम्मच शहद मिलाना है और आपको सुबह शाम लेना है गर्म पानी से। फाइनली हम बात कर लें तो आपको लेना है विदारीकंद घृत, मार्केट में विदारीकंद आदि घृत मिल जाएगा, उसको 1 चम्मच सुबह शाम आपको गर्म पानी से लेना है। और कोशिश करें कि आप हैवी फूड खाएं जिसमें बहुत ज्यादा फैट हो, बहुत ज्यादा ऑयल हो, बहुत ज्यादा घी इंक्लूडेड हो। अगर हम बात करें पंचकर्मा की तो पंचकर्मा में आप विरेचन कराइए, आपके आसपास नियर कोई पंचकर्मा सेंटर है तो वहां पे जाके आप विरेचन की सिटिंग्स लीजिए 21 दिन तक। तो ये सब ट्रीटमेंट आप फॉलो करेंगे, ये सारा ट्रीटमेंट एक साथ फॉलो करेंगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म आपका 100% क्योर होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ पूछना हो इस बीमारी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।